चल जाना। यार रक्षे में सिविक वाले साउंड लगे, रक्षे में सिविक वाले साउंड है। चले कल जल्दी आ जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे मैं आई थी अम्मी के नियाज में शरीक होने, लेकिन बच्चे मेरे दोनों सो गए, और ये बैग और स्कूल का जो सामान है वो मैंने अभी फिर एमरजेंसी में मंगवाया, क्योंकि सुबह बच्चों को यहीं से स्कूल भेजना पड़ेगा मुझे। तो बस ये कुछ हुआ है, और ये बैग्स दोनों बच्चों के मेरे, अच्छे दोनों सो गए क्योंकि अम्मी के नियाज थी आज। तो जल्दी जल्दी करते करते, लेकिन बच्चे 9 बजे ही सो गए मेरे। तो यहाँ पे इबाद सो रहा है, वो सो रहा है इबाद, और ये सो रहा जहांगीर। तो दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं, तो इसलिए अब मुझे मजबूरन अम्मी के रुकना पड़ा है, और अब मैं सुबह इंशाल्लाह ताला यहीं से इनको स्कूल भेजूंगी। जहांगीर बेटा ऊपर चल के सो मेरी जान। भाई बहनों को क्या क्या पिलाते हैं, और ये मुझे क्या पिला रहा है? गटर का पानी, गटर का पानी। ये देखो ये हमारी सेहत का राज। इस सेहत का राज, इतने टोटके फोटके करने के बाद भी वजन कम नहीं होता, तो देख लो क्या क्या पीना पड़ा। कहना काला जीरा सफेद, और वो कलौंजी, और ये देखो, ये देखो पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है, और रात को सोने से पहले पीते फिर भी फर्क नहीं पड़ता, और खाना भी सिर्फ एक टाइम पे खा रहे फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वजन बोल रहा है इसका फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, मगर पंजाब जाके फिर बढ़ गया ना 2-3 किलो। पाए खा रहे हो नाश्ते में? एक दिन खाया पाया, खाओ कसम एक दिन खाया। ए मैंने एक दिन खाया, अंबर ने खाया पूरा हफ्ते। अच्छा मेरी उधर डाल डाल के तो खाया, तो मगर रोजाना खा तो हम बाहर का रहे थे ना खाना, पराठे। नहीं नहीं फर्क पड़ता है भाई, इससे फर्क पड़ता है। और ये पीते हैं हम लोग, ये देख लें इसकी इंशाल्लाह रेसिपी दूंगी मैं जरूर। तुम तो आज पी रही हो, मैं पीता हूँ रोज। नहीं मैं घर पे पीती हूँ। पीती हो ये काला जीरा डाल के? नहीं इतना गंदा नहीं होता वो कलर, लेकिन जो मैं बना के सफेद जीरे में पीती हूँ। मैं सफेद जीरे में पीती हूँ। काला जीरा ज्यादा फायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के और वजन कम करने के। अच्छा, और सब इसकी शक्ल बहुत ही बुरी आ रही, मेरे वाले की इतनी गंदी नहीं आती। मेरे वाले की काला जीरा है ना, मैं व्हाइट वाला डालती हूँ। कलौंजी भी है? कलौंजी भी है, मैं कलौंजी। काला जीरा कलौंजी, और अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी ईशा की। हाँ, तो मेरे बाल किसी की कमेंट आई थी कि कंघा भिजवा दो जैसे इनको, तो भाई अगर ऐसा कंघा है कि मेरे बाल बना सके तो भिजवा दो, क्योंकि मैं जितने भी कंघे कर लूँ बाल इतने कर ले कि वापस वैसी हो जाते हैं, और जेल वगैरह में बालों में लगाता ही नहीं भाई। लोग तरसते हैं बाल करवाने के लिए, लोग लाखों घुंघरालू बाल, घुंघरालू घुंघरालू कितना भी ऊपर कर लो कितने भी सेट कर लो फिर वापस नहीं जाए, खराब हो जाएंगे जैसे बने ही नहीं। किसने कहा था कंघा भेज दो? किसी कमेंट आई थी जैसे उनको कंघा लेके दे दो। कंघे बहुत है, बनते नहीं है भाई। ये इसका, ये बाबू राय का स्टाइल, केराटिन ट्रीटमेंट कराओ जैसे बालों के लिए। नहीं ये बाबू राय का स्टाइल है, ये तहसीन का स्टाइल, इतने बुरे लगते हैं जेंट्स पे तो। सॉरी कोरोना चलती फिरती कोरोना ही है, तो लोग जो है ना कोरोना तेरा तो मुंह से निकल रहा है। अरे क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई यूनिवर्सिटी की, तो ना इतनी ऊंची दीवारें वहां पे आवाज गूंजती है, इसके तो पेपर खत्म नहीं होंगे ना, चबा जाएगी हमें पता। ना सुई भी कटती ना वहां पे टुक टुक आवाज आती है, मैं इतनी जोर से चीखा जा, और जितनी भी आवाज थी सब मुड़ मुड़ के देख रही, मेरी पैसे निकल गए। हाँ तो सही है ना, कड़ बाल हैं। खैर अभी पी के दिखाती हूँ। अच्छा मैं बनाती हूँ वाइट जीरे में, ये बहुत ही कलर ही इतना गंदा सा हो रहा है इसका, बहुत बुरी बुरी लग रही। मुझे तो आदत है पीने में, जब भी भाई इसका वजन मुझसे ज़्यादा जल्दी गिरा है इस वजह से, तुम्हारा जल्दी गिरा है ना मुझसे, तुम्हारी पुरानी शर्टें आई हैं ना, ये हम हैं और हम ये सारी गारंटी पे रहे हैं। ग्रीनी ब्लैक 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 टी, और इसके बाद
बच्चे बात क्या कर रहे हैं तो भाई मैं तो बहुत दिनों की बात रुकी हूँ और आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी, बातें बातें करूंगी काफी दिन के बाद। तकरीबन कितने दिन बाद रुकी हूँ मैं? तकरीबन एक डेढ़ महीने के बाद रुकी हूँ मैं, है ना? ऐसे रुकी हूँ तो बस अभी नमाज वगैरह अदा करके बातें बातें करेंगे। सुबह मुझे बच्चों को स्कूल ही भेजना है और क्या पता मैं जाग कर ही बच्चों को स्कूल भेजूँ। तो चलिए जी, सुबह मुलाकात होती है फिर आप लोगों से। 7:35 हो रहे हैं, देखो ज़रा बच्चे स्कूल जाने से पहले देसी बच्चों क्या सुना रहे हो सुबह सुबह तुम्हें ये गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, क्या करवा रहे हो? हद हो गई, सबक याद करवा रहा बच्चों को जाएंगे जाएंगे को नींद आ रही है अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपको सही लगे। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके टाटा, अल्लाह हाफिज। पिज्जे वाले आएंगे, पैसे ले लिए ना बेटा आपने? जी जी जी, आपकी पॉकेट में। जी बेटा क्या कह रहे हो? करना मेरी, मैं अच्छा पढ़ूं। मेरे बेटे को अल्लाह ताला अच्छा पढ़ाएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा। जाके पैसे दे दिए। ठंडा मन अंजाम दिए, बस सीधे तुम रिजल्ट में देखना क्या दिया अंजाम। रिजल्ट होगा इस काबिल के हम देखें आपका है? रिजल्ट होगा हमारा, रिजल्ट तो पूरी दुनिया देखती है यार उस पे लगाया जाता है बाहर बोर्ड पे कैसा हुआ वैसे पेपर मेरा कैसा हुआ? पेपर बहुत इजी था हाँ जी सही हुआ पेपर, ऐसा है कि बस पास हो जाओगी पेपर। हाँ, मेरा 40 नंबर का असाइनमेंट था, पूरा रजिस्टर भर के लेकर गई थी मैं, वो सर को वो सबमिट कराया है, पेपर किया है। गर्मी में आई हूँ बस में खड़े होके, बहुत रश था क्योंकि रश हो रहा है। बस में सब्सक्राइबर भी मिली मेरी, बस में सब्सक्राइबर मिल गई। हाँ, तुमने क्या करा? कुछ नहीं, हाथ मिलाया बस, हेलो हाय बाय बस। हाँ। अब कल कौन सा? इकोनॉमिक्स खत्म फिर? नहीं, तीन और हैं। कितने हैं? छह। और वो रहे, रेगुलर हो रहे? आ रहे बेटा, आ रहे। आ गए। खराब हो गई, गर्म माँ खोल दे। अल्लाह गर्मी हो रही है, उइ इतना गर्म हो रहा है सर मेरे बच्चे का। मम्मा टेस्ट हुआ था तो मम्मा आज मैंने अच्छा पूरी की पूरी ना मैंने सही मम्मा जी मेरा बेटा क्या खिला रहे हो? ये। नहीं मिठू 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 वेलकम करा है ये बात उंगली दो उसको अपनी दे दोगे काट लेगा वेलकम कर रहा है आप लोगों को मिट्टू बेटे खुश हो रहा है आप लोगों को देख के वो खुश हो रहा है मिट्टू बेटे ये बात कैसे बोल रहा है देख के बताओ मिट्टू बेटे चलो पिज्जे वाले आए थे तो आप मम्मा के लिए लेकर भी नहीं आए अरे यार मैं क्या कर सकता था मुझे पिज्जा नहीं मिलता मुझे ना सारे पैसे देने पड़े इसलिए मुझे ना पिज्जा चाहिए था सारे पैसे दे दिए सारे पैसों से पिज्जा मिलेगा सारे पैसे खत्म करके आ गए
सारे पैसों से ही मुझे पिज्जा नहीं मिलता, इसलिए मैंने तीनों। तो आपको मम्मा याद भी नहीं आई? याद तो आई थी। अम्मी भी याद नहीं आई? अम्मी भी याद आई थी, मगर आपने दिया नहीं, इसलिए इसलिए मैं ये करने आ पाया, इसलिए वो ना देते नहीं है घर का। देती नहीं है? हाँ, घर का नहीं देते। तुम लोग सो गए थे रात को दोनों के दोनों? बाबा आए थे लेने के लिए? हाँ जी हाँ, फिर एक बजे बाबा ने सारा सामान लाके दिया है। तुम नीचे सो रहे थे मामी के कमरे में, नीचे सो गए तुम खेलते खेलते? नहीं, मैं कोई खेल रहा थोड़ी था, मैं आपने को। हाँ, तो ये तबीयत खराब हो रही थी। और ये बात साहब ऊपर सो रहे थे, सुनाओ भाई, तुम्हारी सुनते हैं। बताना आज क्या है, मैं स्कूल में, मैं स्कूल में जहरीली मक्खी आई। जहर कौन सी मक्खी है? जहरीली मक्खी, मोटी वाली जहरीली। ये कौन सी नई नई मक्खी है? कोई नई नई भी नहीं है, वो मोटी वाली जहरीली। हाँ, मोटी वाली काली। तुम सुनाओ, अभी मैं करती हूँ। कल ना मैं नया दिलवाई थी ना मैंने, तो बस उसमें लगी हुई थी, तो कुछ टाइम ही नहीं मिल सका मुझे बात करने का। हाँ डाल लो। नहीं बेटे, डाल दी थी मैंने, कल टिक्किया बनाई थी ना मैंने, टिक्किया बनाई थी। मैं भी आया हूँ घर पे तो। थी। आप अपने हाथ ज्यादा मच्छर लाओ, ठीक है? नहीं नहीं। तो यहाँ पे पापा मम्मी के साथ मैं नाश्ता कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि रात को अम्मी बहुत थक गई थी, क्योंकि एक दिन पहले नियाज थी घर में, तो अम्मी सारा दिन के लिए थकी हुई थी। और मेरा ये था कि मैं उठी हुई थी, सुबह की थी, लेकिन फिर मेरा अकेला दिल नहीं करता ना खाने को, तो मैं बस इन लोगों का वेट कर रही थी। फिर बच्चे भी आ गए तो फिर हम सब बैठ के ही नाश्ता कर रहे थे। दूसरे दिन ये दोपहर से मैं बना रही थी, तो अभी ऐसा है कि अभी दिन के बज रहे हैं, यहाँ क्या टाइम हो रहा है, यहाँ टाइम हो रहा है ये 3:30। अच्छा, एक सेकंड बैक कैमरे से करके दिखाती हूँ क्या। तो यहाँ पे ये टाइम हो रहा है अभी इस वक्त, ठीक है जी, 3:30 का जो है अभी टाइम हो रहा है। और अभी नमाज जो है पढ़ रही है मैंने, जहर की नमाज पढ़ रही है मैंने अभी इस वक्त। और इबाद जो है वो नीचे ड्राइंग रूम में ही नाश्ता करते करते सो गया। और मुझे जो है ना तकरीबन महीनों हो गए होंगे सोए हुए, दोपहर का मैं नैप ले ही नहीं रही हूँ ना अपने घर में बिल्कुल, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम और ये और वो इतना ज़्यादा होता है। तो बस आज अम्मी की आई हूँ तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो है गोल्डन चांस मिला है मुझे, तो मैसेजेस आ रहे हैं शायद किसी के, तो यानी कि एक होता है ना बिल्कुल बेफिक्री वाली नींद जो होती है वो नहीं मेरी हो पा रही। रात को भी मुझे इतना टाइम हो गया था क्योंकि रात को हम लोग बातें बातें करने लगे, इतने टाइम बाद रुकी थी, तो तहसीन के साथ मेरी बातें चल रही थी सुबह तक, तो शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। अम्मी के यहाँ से ना कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ सामने जो प्लॉटिंग्स होती है तो वहाँ पे ये ट्रक्स और बसेस ऐसी, मुझे लगता है मैं हाईवे पे कभी कभार अम्मी के घर पे आई हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज नैप लिया जाए, तो देखते हैं कामयाब होती हूँ मैं आज नहीं होती। और जहांगीर अंदर खाना खा रहा है अम्मी के कमरे में बैठ के, अम्मी नमाज़ अदा कर रही है, मैं नमाज़ अदा कर चुकी हूँ अभी अभी बस। और अभी नाश्ता हम लोगों ने थोड़ा लेट किया था, बच्चे स्कूल से आए थे तो बच्चों को करवाया, उसके बाद फिर मैंने चाय पापे खाए, आप लोगों को दिखाए थे कि मैंने चाय पापे खाए थे आज नाश्ते में, इतना दिल नहीं करा क्योंकि कल इतना हैवी खा लिया था रात को, बिरयानी कढ़ाई वढ़ाई जो भी थी, तो अभी दिल ही नहीं करा इतना कुछ खाने का। अब देखते हैं अल्लाह मालिक है। तो आज बस मैं अम्मी की हूँ, अभी शाम को इंशाल्लाह ताला मैं चली जाऊँगी घर पर अपने, तो बस ऐसे ही गुजर रहा है अभी। गर्मी अभी बाहर बहुत हो रही है लेकिन सुबह में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ठंड इतनी ज़्यादा थी और रात को भी ठंड बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अभी दोपहर में इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, इतनी ख़तरनाक सी धूप हो रही है। ख्याल रखिए भाई बहुत बहुत, और अपना बस बहुत बहुत ख्याल रखें क्योंकि मौसम थोड़ा सा डेंजरस है, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, और मैं बच्चों को भी जितना मुझसे हो सक रहा है तो मैं ख्याल रख रही हूँ। अभी बात कर रही हूँ तो बाकायदा मुझे जो है ना गर्मी लग रही है बैठी हुई, क्योंकि फ़ैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी फिर आप लोगों को मेरी इस वजह से। तो खाने का शायद अभी सब्ज़ी बन रही है, ये गोश्त का दिल ही नहीं कर रहा, कल हम लोगों ने गोश्त ही गोश्त खाया था सालन में भी बिरयानी में भी, इस वजह से
तो बस आज मेरे लिए तो कोई इतना काम ही नहीं करने को अपने घर पे, तो मैं लगी रहती हूँ। आज मुझे वो वाली टेंशन नहीं है। छोटे मोटे काम होते हैं तो लाजमी बातें करवा लेते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर जो काम होता है ना कि भाई मुझे ही करना है, तो ऐसा कोई आज काम नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा आज रिलैक्स हुई हूँ और चिल कर रही हूँ। तो यही मज़े होते हैं यार अपने, बस जब माँ के घर जाते हैं तो बस यही वाले मज़े होते हैं। यानी कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया होगा मुझे अम्मी के यहाँ रुके हुए, तो 1.5 महीने के बाद मैं रुकी हूँ, तो थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो बस अब देखते हैं। और सोने की नाकाम कोशिश मैंने की और लेकिन मुझे सोने को नहीं मिला, क्योंकि इबास होकर उठाया मुझे। तो बस उसका दलिया रेडी करूँगी जल्दी से और फिर उसको ट्यूशन रवाना करूँगी। अच्छा जनाब, तो अम्मी काट रही हैं तुरई। वैसे कितने महीनों में बनेगी आज तुरई? पप्पा से क्या पप्पा से नहीं मंगवाती? नहीं ना। क्यों? ठेला लगवाते हैं फिर वो। नहीं चलो, टमाटर का तो केचप बना लिया था, तुरई का केचप कैसे बनाऊं? तुरई का चार तुरई बनता है? नहीं है, तुरई की चटनी बना लो। तुरई को वैसे कैसे सेव कर सकते हैं? तुरई की चटनी बनाइए। दाल में भी डालते हैं लोग? हाँ। और सुना बहुत अच्छी बनती है दाल। हाँ। कभी ट्राई नहीं की? है? कभी ट्राई नहीं की? किसमें? दाल में। गोश्त में तो बना नहीं उतरती नहीं दाल नहीं उतरती और उसमें सब्जी मिला लो। और उसमें सब्जी नहीं, मैं तो खा लेती हूँ, ये लोग नहीं खाते। सब आया, मैं कब से इसको कह रही हूँ हसन नीचे आ जाओ, आवाज बैठ रही है। अच्छा जी, तो बन रही है आज तोरई की सब्जी। एक ही पीछे छुपी हुई थी, 1 किलो आएंगे? 1.5 किलो इतनी सी हो जाएंगी पक्के बात। बहुत थैंक्स यार, पैर बहुत दर्द हो रहा था पता है, बहुत शदीद दर्द है बेटा। बस आ रहे हैं रक्षा वाले, बस रक्षा वाला तो देर से ही आता है ना, कभी आ जाते फिर चल जाता है, उसे बजाओ या फिर आता है। पर वो फिर गया हमारे घर में, और हम तेरे अब घर में थी अम्मी के घर में, बस हो गई ना आज। तो आकर नीचे खड़ा होया, कॉल भी नहीं उठाई। बाद में बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है पैर दबा रहे, पता है मेरे बहुत दर्द होता है। जहांगीर तुम तो दबाते ही नहीं हो। दबाता तो काम चोर हो गए हो तुम, बस थोड़े से दबाओ भाग गए। घर में दबाता है भाई, यहाँ पे नहीं दबाता, घर पे ही बेटा भाग जाता है। ये बात अच्छे दबाता है पैर, बहुत सुकून मिल रहा है पता है। ये बात इतना बड़ा हो जाए बहुत बड़ा इतना नहीं। हल्का सा इनको जो है ऑयल भी फ्राई कर दिया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था। तो बस यहाँ पर मेरे बच्चे जा चुके थे ट्यूशन और मैं अपनी पुरानी वीडियोस वॉच कर रही थी। तो बहुत मज़ा आता है जब पुरानी वीडियोस अपनी देखते हो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बच्चों की बर्थडे देखूं। तो बस साथ साथ मैं आप लोगों की यहाँ पे कमेंट्स भी रीड कर रही थी और अपनी पुरानी वीडियोस भी चेक कर रही थी। और अम्मी जो है आधे पौन घंटे के लिए को थोड़ा काम से गई हैं, अंबर अभी सो रही थी क्योंकि उसके पेपर्स चल रहे हैं तो वो थक जाती है, तो उसके बाद बस वो थोड़ा सा सोती है आके और फिर उसके बाद रात को फिर पढ़ती है। और मोहतर अपने रूम में अपनी कैबिनेट्स वगैरह सेट कर रही थी, हसन अपनी नानी की गया हुआ है। तो बस अभी घर में मैं ही थी ऊपर, तो बस अपनी वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है इस YouTube के ज़रिए जो है हम अपनी पुरानी वीडियोस देख लेते हैं, हमारी एक मेमोरी जो है वो सेव हो जाती हैं। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी मेमोरी सेव कर लेते हैं और देख कर हम बाद में बहुत जो है ना खुश हो जाते हैं। तो बस थैंक्स इस यूट्यूब का, इसकी बदौलत हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ देख लेते हैं। अम्मी अभी तक आई नहीं है, अंबर सो रही है, पेपर देने के बाद बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। दिखा किसी ने ट्रीट दी है? तूने खुद को ट्रीट दी है? तूने कहा बाजी के लिए लेता हुआ जाऊं? थैंक यू। क्या लाया? चाउमीन। चाउमीन, मुझे बाकी भूख लग रही थी पता है, शदीद भूख लग रही थी मुझे। यम्मी, अरे वाह आज तो मजा आ गया। मैंने खाना ना ऐसे ही खाया था, बस आज दे दी थी। स्पून है? स्पून है। अच्छा रात को तूने पिलाई मुझे जीरे वाली चाय और अभी तो खिला रहा है चाउमीन में। चाउमीन में तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, चाउमीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
थैंक यू। कहाँ का लाया है? मिर्ची। अरे मिर्ची का लाया है, शक्ल से इतनी अच्छी लग रही है। हाँ एक में खा ले। बच्चे ट्यूशन गए, मैं सिर्फ बोर हो रही थी। सवा दस हो गए चंदन। जी सर हम उस बुरखा गैंग को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। जी सर बस आप हमें कुछ टाइम और दीजिए सर। तो अभी तहसील ने किया है ऑर्डर पिज्जा बच्चों के लिए, कर दिया ऑर्डर। मटर आलू बन रहे हैं, मटर आलू की चावल लेके नहीं, बात खाता नहीं है। तो अम्मी ने मंगाया पिज्जा। यार प्ले कर दो ड्रामा। क्या है ये? मैं अपने घर पर देख रही हूँ, मैं आज यहीं आके देख रही हूँ ड्रामा। मैं अपने घर में तो ड्रामा देखने को नहीं मिलता। कौन सा आ रहा है? क्यामत है? कौन कौन सी क्यामत आ रही है? क्या प्ले करो ना अम्मी, एलसीडी चेंज करो बराए मेहरबानी अपने कमरे में। वाकई वो ही लगवा लो जो सारे रूम में, उसी को लगा लो। क्या खा रहे हो? उतरो मेरी चेयर पे से, उतरो। नहीं उतरूंगा गुप्पी ब्रूम। उतरो मेरी चेयर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे कचरा करने की? गुप्पी ब्रूम मैं तुम्हारी चेयर से तो हटूंगा नहीं। ये कौन है, कोकिला? मैं गुप्पी ब्रूम। अच्छा ये गुप्पी ब्रूम है और तुम कोकिला हो? मैं कोकिला। ओह चारी में जूस गया था या सोडे में? कौन था? ओह कौन था भी बता। क्या अच्छा है बात देखो आज वो बड़ा मजा आ रहा है नंदा को गिराएगी यार। मैं यहाँ तो देख भी रही हूँ, घर पे देखने में आता ही नहीं है। मिक्स करके खा रही हूँ स्पैगेटी पुलाव और अचार भी। मेरा दे दो, मेरा था ये। दिखाओ दिखाओ, एक सेकंड रुको। हो गई मूली। ये लो भैया, आप लोग अपने अपने पिज्जे ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, शिमला मिर्च नहीं, शिमला नहीं, शिमला मिर्च नहीं। तहसीन निकाल देगा, तहसीन बेटा है ना। तहसीन तुम खुद निकाल दो, तुम खुद निकाल दो। आगे आ जाओ। हसन नहीं आया अभी तक? मामू दे रहे ना, दे देंगे बस। अच्छा एक विदाउट शिमला मिर्च, जाओ केचप लेकर आओ। अच्छा भी अम्मी अल्लाह हाफिज। हाँ इंशाल्लाह।